पिछले साल जब टॉपर स्टूडेंट्स मुझे बोले कि एस मनी सर मेरा 70 में 69 बस इसीलिए आया क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत कर दिया था, अफसोस तो हुआ था मेरे बच्चों, क्योंकि फिजिक्स में 70 में 70 लाना मायने रखता है भाई। लेकिन उसी साल मैंने सोचा था कि कोई बात नहीं, ऐसे 2-4-10 स्टूडेंट्स के साथ हुआ, लेकिन अगले साल 70 में 70 लाएंगे और उसके लिए जरूरी है कि ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा सही हो, और करेंगे हम लोग। अगर नहीं 70 में 70 आ पाया कोई बात नहीं, अगले साल फिर से बच्चों के लिए एम देंगे, फिर से लक्ष्य रखेंगे, फिर से लाएंगे, ट्राई लेकिन करते रहेंगे। और मेरे बच्चों इस साल का पूरा लक्ष्य है कि अब की बार 70 मेरे यार कैसे 35 में 35 ऑब्जेक्टिव पर फोकस करके ध्यान देंगे, उसी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को ना आप अंत तक देखिएगा क्योंकि मुझे ना आप लोगों से सलाह भी चाहिए मेरे बच्चों, क्योंकि आपके सलाह पे चैनल पे काम करूंगा। और जो बच्चे मेरे पेड कोर्स में है ना मध्य बैच में, वो वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, थोड़ा सा आपसे भी बात करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मेन मुद्दा पे। देखिए टोटल फिजिक्स में 15 चैप्टर है, ठीक है, तो एक मैं सीरीज लाने वाला हूं, आपको पता भी होगा अब की बार 70 में रहे यार, उस सीरीज से ज्यादा जरूरी है कि उसे पढ़ना कैसे और कैसे करके लाएंगे 35 में 35 उसके बारे में बताऊंगा। तो अब की बार 70 में रहे यार मैंने मेरे बच्चों 15 चैप्टर में मैं हर एक चैप्टर का भी 3-3 क्लास का सीरीज ला रहा हूं, जिसमें 2 क्लास पहले के 2 क्लास में ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा हर एक चैप्टर का, और 3rd क्लास में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करवाऊंगा। ये 2 जो क्लास का ऑब्जेक्टिव होगा ये MBBI होगा, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, लगभग 40 ऑब्जेक्टिव होगा, 30-40-50 ऐसे हर एक चैप्टर का करवाऊंगा, ठीक है। और ऐसे करके देखिएगा तो टोटल 15 चैप्टर में टोटल पदर दिया 45 क्लास आपका हो गया, 45 क्लास में पूरा ऑब्जेक्टिव पूरा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, और आप लोगों के सपोर्ट से ये वाला सीरीज सक्सेसफुल होगा ही, और ये शुरू सही होगा तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, यूनिट वाला क्वेश्चन, डायमेंशन वाला क्वेश्चन सब कुछ लाऊंगा, मतलब अभी से बहुत मेहनत करवाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, अब बात है कि जो मैं सीरीज ला रहा हूं इसे सही में इफेक्टिव तरीके से पढ़ा कैसे जाए ताकि 35 में 35 आ जाए। तो मान के चलिए मैंने पहला चैप्टर का पहला क्लास डाला, क्योंकि देखिए कॉमेडी की तरह पढ़िएगा तो कॉमेडी की तरह जिंदगी भी आपके साथ बर्ताव करेगा, यही होता है, सीरियस होकर पढ़िएगा जिंदगी भी आपको सीरियस होकर नंबर देगा। तो है क्या कि पहला क्लास जब मैंने डाला तो आपको क्या करना है कि पहला क्लास का वीडियो देखते चलना है और साथ साथ में कॉपी निकाल के चलना, कॉपी में ना उन सारे क्वेश्चन को लिखते चलना ऑप्शन ABCD के साथ और आंसर टिक करते चलना है मेरे बच्चों, ऐसे करके करना है। दूसरा क्लास डालूंगा तो दूसरा क्लास कर लीजिएगा, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डालूंगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इससे क्या होगा कि जब आप चीजों को ना, एक कहावत है कि आप बिना सोचे पढ़ तो सकते हो लेकिन बिना सोचे लिख नहीं सकते हो, तो जब आप चीजों को लिखोगे ना तो आपके दिमाग में समझो कि वो चीज एक बार दोबारा आपके कॉपी में टाइप हो रहा है दिमाग से, और वो जब टाइप हो गया ना तो आप एग्जाम हॉल तक एकदम नहीं भूलने वाले हो। और वैसे भी ना टाइम पास टाइप का चीज ना टाइम में पास रह जाता है, सीरियस हो गया जो चीज होता है वही सीरियस जैसा नंबर देता है। कहने में तो बहुत अच्छा लगता है कि फला टॉपर बना चिला टॉपर बना, लेकिन एक बहुत और बड़ी बात होती है बच्चों कि मेहनत करना पड़ता है, उसके पीछे बहुत रात जो बिताया है उसको पता है। ओके, तो और आपको क्या करना कि जब आप लिखोगे तो थोड़ा सा मेरा गाइडेंस मिले, इसलिए इस नंबर हम लोग का व्हाट्सएप नंबर 9905948 इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिएगा, इस पे ना हमको भेजा करिएगा इमेज, जो भी बच्चे इमेज भेजेंगे ना उनका मैं नाम ना कम्युनिटी टैब पे रेगुलर डालूंगा कि इस जैसे पहला चैप्टर के पार्ट वन का जो बच्चे ऑब्जेक्टिव का लिख के भेजे हैं कॉपी में उनका नाम, उससे क्या होगा थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ा एनर्जी मिलेगा कि हाँ यस मनी सर भी मुझे देख रहे और मुझे सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो अब की बार 70 मेरे यार में कल से बच्चों ये सीरीज स्टार्ट हो रहा है। हाँ, सलाह मुझे ये चाहिए कि टाइम कितने बजे लाऊं, क्योंकि देखिए मेरा तो पूरा मन है कि मैं रिकॉर्डेड क्लास ही डालूं, क्योंकि लाइव क्लास में लाइव के समय तो मजा आता है और एग्जाम के टाइम करेंगे भी, लेकिन एक चीज और होता है ना बच्चों कि लाइव क्लास का जब नहीं कोई बच्चा कर पाता और वो बाद में रिकॉर्डेड देखता है तो उसको मजा नहीं आता है। और रिकॉर्डेड में एक और फायदा होता है कि जब चाहे जितना पीछे करके देख सकते हैं, 2 बार मन हो तो 2 बार देख सकते हैं, 3 बार मन है तो 3 बार रिपीट करके देख सकते हैं, लाइव में धड़ाधड़ आगे निकला हो रहा है, तो वो तब फायदा जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो, सब कुछ पता है सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा हो तब जाके वो ओके है, ठीक है। ओके बच्चों, तो रिकॉर्डेड कितने बजे मैं लाऊं, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ऐसे करके क्लास होगा और आपको सारे के सारे को लिखते चलना है। ओके बच्चों, समझ में आ गया। अच्छा, जो बच्चे मध्य बैच में उनके लिए ये हम लोग का एक न्यू ऐप है एमिंग हाई बच्चों, ठीक है, और वो जो बच्चे नहीं है ऐप में वो इंस्टॉल कर लीजिएगा, ये वाला मत इंस्टॉल करिएगा, ये ओल्ड वाला, ये हमारा न्यू वाला, इसको आप इंस्टॉल करिएगा, ठीक है। और उनका उनके साथ क्या है ना कि उन लोगों के साथ समस्या है कि बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि सर अभी तो चैप्टर 3 ही खत्म हुआ है मध्य बैच, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले का स्टार्ट हुआ है। तो देखो बच्चों, पूरे फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव में डाल दिया, पूरे 15 चैप्टर को, उसमें मैं काफी मेहनत किया हूं और उसी पे मैं लगा हुआ था। एक तो हेल्थ खराब हो गया था तो मैं बोल नहीं सकता था, तो मैं सोचा कि टाइप तो कर सकता हूं ना आपके लिए, आपको भी पता होगा कि थोड़ा सा हेल्थ के कारण मैं ज्यादा चिल्ला नहीं सकता हूं,
तो इसलिए मैं टाइप तो कर सकता हूं ना, तो इसलिए मैं पूरा 15 चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव आपके सीरीज में डाल दिया। अब कोई बात नहीं, अब क्लास आना शुरू हो गया है 4, 5, 6, समय जो रूटीन है ना उसके अकॉर्डिंग क्लास खत्म हो जाएगा। देखिए हेल्थ मेरे हाथ में नहीं है, वो किसी का भी खराब हो सकता है, लेकिन मेरे हाथ में जो है कि समय पे सिलेबस खत्म करना वो मैं ट्राई करूंगा, पूरा खत्म करूंगा। 2-4, 10 दिन ऊपर नीचे हो जाए तो उसका मैं नहीं कर सकता हूं, तो आप परेशान मत होइए। तो बस बच्चों एक बार ना इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, स्टेटस में लगा दीजिए, और कल मेरा सलाह रहेगा 4:00 PM आप बता दीजिए टाइमिंग की, कितने बजे आप क्लास करेंगे कमेंट बॉक्स में। आपका कमेंट बॉक्स जिनका ज्यादा रहेगा उन्हीं के अनुसार चलूंगा, लेकिन मेरा 4:00 PM सलाह रहेगा, बताइएगा जरूर। और बस अब की बार 70 मेरे यार कमेंट बॉक्स में लिख के टाइमिंग बता दीजिए, दोस्त को जरूर बता दीजिएगा कि यस मनी सर ना अभी से मेहनत करवाने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो बस बेटा जी मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करिएगा, जो तरीका बताया लिख लिख के जरूर पढ़िएगा, मुझे मैसेज जरूर करिएगा इस व्हाट्सएप पे। तो बस पढ़िए, सीखिए, समझिए, कोई और एक्स्ट्रा सलाह होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता हूं आप लोगों से, मिलके पढ़ेंगे बेटा जी, एकदम अंधकार को दूर करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू, खूब लाइफ में आगे जाइए।